आज हमने विशेष रूप से अपने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि सारे जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उन लोगों से यह कहा जाए कि सभी डॉक्टर्स को सिंपैथिक एटीट्यूड और एथिक्स के बारे में रोज विस्तृत ज्ञान दें, और अगर एथिक्स और सिंपैथिक एटीट्यूड के बारे में बार बार कहा जाएगा तो मैं समझता हूं कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित जितने भी मरीज हैं उन सबको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमारे डॉक्टर्स में विशेष रूप से संवेदनशीलता हो, क्योंकि 50% मरीज का को सेहत लाभ जो है वो डॉक्टर का व्यवहार दे देता है। अगर डॉक्टर का व्यवहार बेहतर है, डॉक्टर अच्छे तरीके से मरीज से ट्रीट करते हैं तो मरीज अपने आप में रिलैक्स महसूस करता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है। सर, ओम प्रकाश राजभवन सर एक ट्वीट किया है, केंद्रीय जी को कहा है कि वो देखो 17 जातियों के मामले मूर्ख बना रहे हैं, क्या कहेंगे सर उनके इस ट्वीट पे? हमने सुना नहीं है, जब सुनेंगे तो कोई प्रतिक्रिया देंगे। हमारी बात तो मान लीजिए, मतलब आपकी बात हमने मान ली और हम उनके बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और लगातार उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है। वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में लगे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से समर्पण भाव से इस प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, जितनी भी अच्छी बातें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ये आपकी बात का जवाब। मकान आए थे लखनऊ, उन्होंने कहा कि बहुत